वर्ली से शिवसेना सिंधे उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन। नामांकन से पहले मिलिंद देवड़ा ने निकाला रोड शो। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं का हल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भरा नामांकन। साकोली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। कामठी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नॉमिनेशन। नॉमिनेशन से पहले परिवार के लोगों ने उनकी उतारी आरती। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बड़ी बगावत। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने से नाराज हैं गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने दो और नामों की घोषणा। उमरेड से उदिर पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालजी मेहता को टिकट। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट से अविनाश राणे लड़ेंगे चुनाव। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक है एनसीपी अजित की उम्मीदवार। बारामती से पार्टी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में की पूजा। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजित पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, पर जीत मेरी होगी। अजित पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने योगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की है। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को कटोल से दिया टिकट। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की। कल देर रात 10 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। AIMIM ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, तुम जितने भी भविष्यवक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी। जानलेवा धमकी मिलने पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कहा, उनका काम धमकी देना, मैं अपने कार्यों में लगा हूं, देश की जनता मेरे साथ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमें झारखंड को लुटेरों और ठगों से बचाना है, गरीबों का अनाज भी लोगों ने लूटकर खाया। झारखंड के सीएम के बीजेपी पर दिए गए बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 72,000 किसानों का लोन माफ किया, वहीं बीजेपी ने 3,00,000 करोड़ से ज्यादा के किसानों का कर्ज माफ किया। वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते थे, वैसे ही वो भी पूरी ताकत से मुद्दों को उठाएंगे। राहुल गांधी को लेकर प्रियंका बोली, यहां की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सब ने मुंह मोड़ लिया। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं।